हेलो दोस्तों, होशियार सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं होशियार मल स्वामी आज शिक्षक दिवस के ऊपर सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरा भारतवर्ष 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। क्योंकि हमने देखा कि माता पिता ये भी गुरु होते हैं, विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो भी गुरु होते हैं, और ये मानो जिस इंसान से हम कुछ भी सीखते हैं वो सभी ये मानो हमारे गुरुजन हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी आदर्श और गुरुजनों को नमन करता हूँ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। जो हमने देखा संविधान के अंदर दो प्रकार की शक्तियां दी गई है राष्ट्रपति को, एक सामान्यकालीन और दूसरी आपातकालीन। तो हम बात कर रहे थे सामान्यकालीन शक्तियों की, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो कि प्रधान होता है और महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों विधायी शक्तियों की, विधान कानून बनाने संबंधी, कि राष्ट्रपति का कानून बनाने में क्या भूमिका है, या ये कहो विधि निर्माण संबंधी कार्य। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों विधायी शक्तियों की, विधायी शक्तियां कानून बनाने संबंधी, संसद संबंधी, या ये कहो हमारे देश के विधान मंडल विधायिका में राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, वो बात करेंगे आज दोस्तों हम इसके अंदर। तो सबसे पहले जो शक्ति हम देख सकते हैं विधायी शक्तियों में, अनुच्छेद 79 दोस्तों 79, जो कि यह कौन, भारत का राष्ट्रपति, यह संसद का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि भारतीय संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है, तीनों का संयुक्त नाम है संसद, जिसके सदन दो होंगे लेकिन अंग तीन होंगे, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों का संयुक्त नाम है संसद। तो याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। उसके बाद में दूसरी अनुच्छेद 83, यह कौन है, राष्ट्रपति भारत का, यह राज्यसभा में 12 सदस्य दोस्तों ध्यान रखना है 12 सदस्य मनोनीत करता है, मनोनयन करता है, किसको, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा में ख्याति प्राप्त जो होंगे उनको ही मनोनीत करेगा। चार क्षेत्र है दोस्तों और क्रम से ध्यान रखना है साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ होंगे अनुभवी लोग होंगे उन्हें ही राष्ट्रपति मनोनीत करेगा राज्यसभा में 12, राज्यसभा में 12। उसके बाद में अनुच्छेद 85, यह संसद के अधिवेशन या सत्र बुलाता है, संबोधित करता है और सत्रावसान या ये कहो स्थगित करता है, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों अधिवेशन या सत्र आएगा और यह लोकसभा को भंग भी कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पे सलाह पे, ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण बात, बैठक जो होगी लोकसभा की या राज्यसभा की तो उसके सदन के अध्यक्ष बुलाएंगे बैठक को, संबोधित करेंगे और स्थगित करेंगे बैठक को, दोस्तों याद रखना है बैठक का वो कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा स्थगित, लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा की राज्यसभा का सभापति। उसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 86, यह संसद के, यह कौन, भारत का राष्ट्रपति, यह संसद के सदनों में अभिभाषण भी देता है, दोनों में एक साथ समवेत, दोनों को साथ में भी और अलग अलग भी, लोकसभा में और राज्यसभा में अभिभाषण देगा। उसके बाद अनुच्छेद 87, यह संसद के सदनों में विशेष अभिभाषण, यहाँ दोस्तों विशेष है ध्यान रखना, जो कि दोनों में समवेत लोकसभा राज्यसभा संयुक्त रूप से और चाहे तो अलग अलग लोकसभा में और राज्यसभा में, तो याद रखना विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87। उसके बाद में अनुच्छेद 103, यह संसद सदस्य जिन्हें हम कहते हैं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद की निर्योग्यता का फैसला करता है चुनाव आयोग की सिफारिश या सलाह या मंत्रणा पे, लेकिन ध्यान रखना है नॉट दल बदल संबंधी जो निर्योग्यता होगी
उसका फैसला सदन का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति करेगा उसके दल बदल संबंधी निर्योग्यता का फैसला। अनुच्छेद 103 की यह संसद सदस्यों की निर्योग्यता का फैसला करता है कौन? राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 108 यह कौन? भारत का राष्ट्रपति। यह संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, याद रखना संयुक्त बैठक, दोनों का जॉइंट बैठक कह सकते हो, संयुक्त बैठक बुलाता है जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 118 होगा, अब तक हमारी संसद की 3 संयुक्त बैठक हो चुकी है, कितनी? 3 हो चुकी है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 109 यह धन विधेयक पर अनुमति देता है तभी वह सर्वप्रथम लोकसभा में, गौर करना दोस्तों, लोकसभा में पेश होगा धन विधेयक, लेकिन अनुमति हस्ताक्षर किसके होंगे? पहले राष्ट्रपति के होंगे तभी वह सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होगा। उसके बाद अनुच्छेद 111 यह विधेयकों पर अनुमति देता है तभी वे कानून का रूप ग्रहण करते हैं, कहने के लिए जो भी विधेयक आएंगे संसद में वो इसकी अनुमति के बाद, इसके हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करेंगे, चाहे तो ये हस्ताक्षर कर सकता है चाहे पुनः विचार के लिए, लेकिन दोस्तों पुनः विचार के बाद वापस आता है तो ध्यान रखना राष्ट्रपति को कंपल्सरी अनिवार्य अनुमति देनी होगी, या फिर ये विधेयकों पर वीटो भी लगा सकता है, जे भी वीटो निशेष अधिकार का प्रयोग भी कर सकता है। अनुच्छेद 123 अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, अनुच्छेद 123 123 यह संसद के विश्रांति काल में, कहने का मतलब जो संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है उस समय, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो अध्यादेश शक्ति से कानून बनाता है, उस समय कानून कौन बनाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति बनाएगा, कौन बनाएगा? राष्ट्रपति, और यह कानून 6 माह तक मान्य होगा, अध्यादेश शक्ति कितने समय तक मान्य होगी? 6 माह तक, क्योंकि 6 माह में संसद का अधिवेशन होना जरूरी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, और अधिवेशन में आने के बाद संसद का अधिवेशन शुरू हो जाता है तो उसके बाद में ये 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन तक ही मान्य रहेगी अध्यादेश शक्ति, चाहे तो लोकसभा राज्यसभा नवीनीकरण करके उसे दोबारा कानून का रूप ग्रहण करवा देंगे, अन्यथा वह 6 सप्ताह बाद स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, और अधिकतम पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना दोनों को जोड़ करके और अधिकतम 7.5 माह होगा, 7.5 माह होगा ध्यान रखना। उसके बाद में 240 ये कुछ संघ क्षेत्रों केंद्र शासित संघ शासित जो क्षेत्र है उनके लिए विनियम बनाता है शांति प्रगति और सुशासन के लिए, ध्यान रखना कुछ कानून बनाता है ये किसके लिए? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दादर नागर हवेली दमन दीव पांडुचेरी ये 240 में 5 केंद्र शासित प्रदेशों के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, क्रम से याद रखना है 1 नंबर अंडमान निकोबार 2 नंबर लक्षद्वीप 3 नंबर दादर नागर हवेली 4 नंबर दमन दीव 5 नंबर पांडुचेरी, और पांडुचेरी में कानून तभी बनाएगा जब वहां विधानसभा भंगो या विधानसभा कार्य नहीं कर रही है तो उस समय विनियम बनाएगा 240। उसके बाद में दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 331 जो कि 331 में ये लोकसभा में 2 अंग्ले भारतीय एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, मनोनयन करता है ध्यान रखना, जबकि मनोनयन होगा 331 के अनुच्छेद के तहत, जबकि अंग्ले भारतीय एंग्लो इंडियन को परिभाषित कहां पे किया गया है तो दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 366 में, कहां पे? 366 में किया गया है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आज हमने बात की राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां,
विधायी शक्तियां कानून बनाने में भूमिका, जहां पर हमने बात की अनुच्छेद 79, 80, 85, 86, 87, 103, 108, 109, 111, 123, 224, 331. सबसे महत्वपूर्ण है 83, याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में है 108, उसके बाद में ध्यान रखना है 109 और 123, 1, 2, 3 अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1, 2, 3 याद रखना, और उसके बाद में 331। तो दोस्तों याद रखना, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो, क्योंकि जिंदगी 4 दिन की है। तो आज हमने इस क्लास के अंदर बात की राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। तो अंत में एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा, मेरे सभी प्रियजन जो गुरुजन है उनको याद करते हुए नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी ये मानो की मेहनत से ही, उनके प्रयासों से ही आज ये मानो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, जाने वो क्या निशानी दे गए, जाने क्या वो निशानी दे गए, दोहरा न सके ऐसी कहानी दे गए, हम तो प्यासे रह गए, हमारी पलकों को पानी दे गए। तो याद रखना, सभी मेरे प्रिय गुरुवर जो है, जो गुरुजन है, जो अध्यापक है, उन सभी को मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।